आज जन्माष्टमी है। ये जन्माष्टमी कोविड 19 में मनाई जा रही है। कोरोना महामारी चल रही है और इस महामारी के बारे किसी को कुछ नहीं पता ये कौन सी महामारी है। तो आज हम देख रहे हैं कि जहां पर सड़कों पर बहुत कम भीड़ है और ना जाने भगवान श्री कृष्ण ने आज कोई ऐसा संकट भजाया है कि वो दुनिया की फेवर में है या उनके लॉस में, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम अब बताते हैं आपको और दिखाते हैं ये शहर का हाल। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है क्रोध को काबू में रखें, क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश होता है तो इंसान को वो पतन की तरफ ले जाता है और इंसान का नाश होता है। तो इंसान को अपना क्रोध जो कंट्रोल में रखना चाहिए और उसके साथ साथ मन को भी कंट्रोल में करना चाहिए। जो लोग माइंड को अपने कंट्रोल नहीं करते वह उनके लिए शत्रु के समान है। इस संसार में अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। और हमें विश्वास का निर्माण करना चाहिए अपने में। अगर विश्वास है आप में तो आप दुनिया को जीत सकते हैं। इंसान को विश्वास ही बनाता है। जैसा इंसान विश्वास करता है वैसा बन जाता है। विश्वास ही मनुष्य को उसकी आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। तो इंसान को विश्वास करना चाहिए और विश्वास से इंसान बनता है। आज जन्माष्टमी है और भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं मैं वही बता रहा हूं आपको। जो आत्मा ज्ञान है हमारे लिए वो सबसे सर्वोत्तम है। उस आत्म ज्ञान से हमें, उस आत्म ज्ञान की तलवार से हमें हृदय में जो अज्ञान है, हमारे संदेह है, उसको हटा देना चाहिए। और हमें अनुशासन डिसिप्लिन में रहकर और अपने गोल की तरफ ध्यान लगाकर और हमें ज्ञान अर्जन करना चाहिए। हमें नॉलेज लेनी चाहिए जितनी हो सकती है, तभी हम विश्व को जीत सकते हैं। अज्ञानियों की तरह अगर हम कार्य करेंगे, बिना सोचे समझे कुछ करेंगे, जैसे आज हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में, ये सब गलत है। हमें कृष्ण की शिक्षा के ऊपर, उनके विचारों पर ही काम करना होगा। यदि हम सही अर्थों में भारत को विश्व में पहले नंबर पर स्थान दिलाना चाहते हैं, मनुष्य जीवन में कुछ खोता नहीं है, उसका कुछ व्यर्थ नहीं जाता। फल ईश्वर के हाथ में है। कृष्ण भगवान ने कहा है कि आप क्या लेकर आए हैं इस दुनिया में और आप क्या छोड़ के जाओगे। जो कुछ है यहीं का है, इस इंसान का कुछ नहीं है। और देखिए, आज जन्माष्टमी के ऊपर कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण लोग घरों में दुब कर बैठे हैं, डर रहे हैं कि हम कहीं कोरोना से पॉजिटिव ना हो जाएं। भगवान तो कहते हैं कि जैसे शरीर आपका नहीं है, लेकिन आप इस शरीर को लेकर डर रहे हैं। ये शरीर भगवान का है, आप कुछ नहीं लेकर आए थे, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। लेकिन मेरा हम छोड़ नहीं सकते। तो देखिए, जब बाजार में हम खड़े हैं, आज जन्माष्टमी का दिन है, सिविल लाइन का एरिया है, लोग शाम को घरों से निकलेंगे। इस समय दोपहर के 2 बजे हैं, बादल कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जन्माष्टमी को बारिश जरूर होती है। और कृष्ण कान्हा के झूले मंदिरों में झूल रहे हैं और लोग झुलाने के लिए जाएंगे भी, लेकिन कृष्ण के उपदेशों का हमें ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए कि जो कुछ है उसी का है और उसी भगवान को हमें अर्पित करना चाहिए। फल कारक
कर्म कर, फल की चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अभी हमने दिखाया आपको ये सिविल लाइन का एरिया, दंडी स्वामी का एरिया है, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी आज कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार होता है, लेकिन मंदिरों में रात को ही जो पूजा वगैरह की जाती है, और प्रशासन ने रात के 1 बजे तक छोड़ दिया कर्फ्यू में, नहीं तो रात को 9 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता था लुधियाना शहर में, और लोग घरों से निकलेंगे। श्री कृष्ण ने जो कहा है कि कर्म करते रहो, जो फल है वो परमात्मा ही देगा। श्री पाल शर्मा के साथ कैमरामैन दिलजीत।